तो ये रहा सन टेंपल का गेट और इधर से ही जाना है हम लोग को। ये रहा सन टेंपल, सूर्य मंदिर, क्या सही लग रहा है यार। इधर से व्यू देखो यार, अरे आप टक इन हुआ जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नामकुम ब्रिज से, और अभी अपने साथ है शुभम और एक राइडर है जो हम लोग अभी इंस्टा पे पोस्ट किए थे कि आज कोई संडे राइड पे ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। तो एक राइडर हम लोग को ज्वाइन किया आज, तो राइड वाला स्टोरीज डिलीट कर दिए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट से किए थे और बहुत लोग तक नहीं पहुँच पाया था वो स्टोरी, तो उस वजह से हम लोग स्टोरी डिलीट कर दिए और वो राइड कैंसिल कर दिए। बट ये जो राइडर है ये मैसेज किया था उससे पहले और उसके बाद हम लॉग आउट कर दिए थे इंस्टाग्राम से, तो इसको हम मीटिंग लोकेशंस वगैरह सारा कुछ इन्फो बता दिए थे और ये 3 बजे ही पहुंच गया था शायद। तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटा से हम लोग का वेट कर रहा था और जब हम इंस्टा लॉग इन किए तब हमको पता चला कि ये राइडर पहुँचे हुए हैं पहले से। तो हम लोग जल्दी जल्दी अभी निकले हैं, हम निकले तो थे जल्दी बट क्रॉसिंग में 2 ट्रेन एक साथ आ गया था उसकी वजह से वहाँ पर भी जैम लग गया था तो उसके वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। तो ये ड्यूक 200 में BS6 है। मेरा पीछे वाला टायर में हवा कम लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि दब दब के चल रहा है वैसा। हाँ चलो चलो चलो, अभी जा रहे हैं NH की तरफ और उधर से जाएंगे तैमारा घाटी। अभी का तो प्लान नहीं है, फिर देखते हैं तैमारा घाटी तक जाएंगे या कहाँ जाएंगे। तो पहुंच गए रिंग रोड के पास, इधर से जाना है NH। अब रिंग रोड बनने लगा है तो अब रिंग रोड तरफ चलाने मज़ा आता है। तो यहाँ पे रुक गए थे हम लोग, सुबह माउंट वगैरह कर रहा था यहाँ पे अपने कैमरा को। इतना सा किलो बच रहा है, वीली मत मारना, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे शुभम गोप्रो वगैरह माउंट कर रहा था अपना। वो अभी नहीं मार सकता, हम तो मार ही सकते हैं। ऐसे जगह पे कैमरा रखा है ना, बहुत रिस्क में है और हेडलाइट से बस थोड़ा सा बचा हुआ है। सो कल वाला जो व्लॉग था वो अभी शाम में 4:30 बजे के अराउंड शेड्यूल कर दिया हम, तो वो अपलोड हो जाएगा और ये वाला व्लॉग आएगा कब पता नहीं। यही तो दिक्कत है यार, कोई भी आ जाता है रोड पे। अभी जितना व्लॉगिंग हो पा रहा है हम उतना व्लॉग्स अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले जितना व्लॉगिंग हो पा रहा है हम कर रहे हैं और एग्ज़ाम जैसे ही आ जाएगा तो फिर हम व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, फिर एग्ज़ाम्स ओवर होगा उसके बाद हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे वापस से। हर जगह देख रहे हो अभी ये पलाश के फूल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हर तरफ उगे हुए हैं। इधर से व्यू देखो यार, अरे तो
पैक इन हुआ जाए। इधर चेक करो बॉयस व्यू, हर तरफ येलो येलो। चांडिल डैम यहाँ से अराउंड 78 या 80 किलोमीटर्स। ये जो ऑरेंज ऑरेंज फ्लावर्स हर जगह दिख रहे हैं ना, ये व्यू को एनहांस कर दे रहे हैं पूरा। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है सन टेंपल। इधर से हम लोग को राइट लेना है, तो ये रहा सन टेंपल का गेट और इधर से ही जाना है हम लोग को। आज संडे तो मे भी थोड़ा क्राउड रहे उधर भाई। ये भी तो वैली की तरह ही बनाया गया है, पहाड़ को काट काट के बनाया गया है। तो ये रहा सन टेंपल, सूर्य मंदिर। क्या सही लग रहा है यार, यहाँ बाइक रख के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से उस साइड से ना सनसेट वाला व्यू अच्छा आता है। ओ भाई, तो अभी निकल रहे इधर से हम लोग, बस इधर आए थे देखने के लिए। इधर से व्यू बहुत सही है, सबका रेडिएटर फैन एक साथ ऑन हुआ। तो गाइज अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और इधर से अभी निकल रहे हैं हम लोग। किसी दिन और आएंगे तो ऊपर तरफ भी जाएंगे, उधर से सनसेट का व्यू काफी सही लगता है क्योंकि सनसेट होता है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में। और यहाँ पे भी एक मंदिर है, आई थिंक मेला वेला लगता होगा इधर। इधर रुकने वाले कुछ रील्स वगैरह शूट करने के लिए क्योंकि पेड़ वगैरह बहुत सही है इधर। तो यहाँ पर रख देते बाइक को, देख रहे हो नीचे पूरा फ्लावर्स गिरे हुए हैं। शुभम रख रहा वहाँ पे, रील्स वगैरह शूट होंगे यहाँ पे। यार क्या सही है। और हम लोग निकल रहे हैं इधर से, सीधा निकलेंगे अभी घर की तरफ। सनसेट भी हो ही चुका है थोड़ी देर पहले। तो ऑलमोस्ट अभी पहुंच ही गए लोहाड़ी के पास। सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।